तो भाई अपनी पहली शादी के 3 साल बाद हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टैंकोविच दोबारा शादी कर रहे हैं और इस बार इन्होंने अपनी शादी का नाम दिया है व्हाइट वेडिंग। यार ये व्हाइट वेडिंग क्या चीज होती है भाई? वेडिंग तो वेडिंग होता है, ब्लैक वेडिंग, व्हाइट वेडिंग, ये सब क्या होता है बताते हैं आपको, इसलिए यूट्यूबियंस के साथ चिपके रहिए। क्या होता है व्हाइट वेडिंग का फंडा और क्यों कर रहे हैं हार्दिक और नताशा, ये बताते हैं आपको। तो भाई कहानी ऐसे शुरू होती है कि 31 मई 2020 को हार्दिक और नताशा ने शादी कर ली थी। ये एक बड़ा लो की अफेयर था, ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। शादी शायद इसलिए भी हुई हो क्योंकि जुलाई 30 को तो उनका बच्चा ही पैदा हो गया था। पर ये क्या जल्दबाजी शादी हो गई, फन तो आया नहीं, इंस्टाग्राम पे फोटोज तो डाली नहीं। तो इस बार इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग व्हाइट वेडिंग करेंगे। अब व्हाइट वेडिंग क्या चीज होती है? एज पर डेफिनेशन व्हाइट वेडिंग का मतलब ये होता है एक ट्रेडिशनल चर्च वेडिंग। इसकी शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी जहां पे लड़की यानी कि ब्राइड एक व्हाइट कलर का ट्रेडिशनल गाउन पहनती है। तो अब नताशा ने बोला होगा इसको कि हार्दिक मेरी व्हाइट गाउन की फोटो तो आई नहीं, फिर इंस्टा पे क्या दिखाएंगे लोगों को। तो इन्होंने उदयपुर में वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा फंक्शन रखा शादी का। ये 3-4 दिन का फंक्शन होने वाला है, मतलब हार्दिक और नताशा अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करेंगे इस बार।